Pehchan, the talk show with Pooja Piyush. Times Vikenza Club and Resort presents, powered by Loveji Badshah, in association with Choithani's Clinic, supported by Gold's Gym Gurdod Road, Footpack India, Coffee Culture. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे कमाने की इस दौड़ से आगे निकल के कुछ और सोचा और इन्होंने बनाई अपनी एक पहचान। किसी भी कामयाब इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट है उसका खुद पे भरोसा। फर्स्ट इंप्रेशन जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है लास्टिंग इंप्रेशन। मैं पूजा व्यास। मैं पीयूष व्यास। वेलकम ऑन माई शो पहचान। हेलो दोस्तों, एक बार एक आदमी बहुत परेशान था और बहुत दुखी था, इसलिए वो एक संत से मिलने गया। वो संत के चरणों में झुका और उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे दुख के दो कारण हैं। पहला कारण, मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो मुझे दो चीज दिखाई देती है। एक, मुझे हमेशा अपनी गलतियां दिखाई देती है, जो जो चीजें मेरे पास्ट में हुई है वो हमेशा मेरे सपनों में मेरे ख्यालों में आती रहती है। और नंबर टू, मुझे हमेशा अपने फ्यूचर की चिंता रहती है, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, कल क्या होगा। और इन दोनों परिस्थितियों में मैं दुखी हूँ। संत ने सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तेरी दोनों परिस्थितियों से निकलने का सीधा मंत्र, लिव इन प्रेजेंट। इस सूत्र को अपने जीवन में उतार के कुछ लोगों ने गजब की सफलता हासिल की है। मैं पूजा व्यास आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन आवर शो पहचान, जहाँ हम बात करते हैं कुछ ऐसी ह्यूमन क्वालिटीज के बारे में जो हर उस इंसान में होनी चाहिए जो बनाना चाहता है अपनी एक पहचान। वेलकम ऑन आवर शो पहचान। थैंक यू वेरी मच सर। पहचान एक ऐसा शो है जहाँ पे हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिनकी एक पहचान है और जो बता सकते हैं दूसरों को कि उनको अपनी पहचान कैसे बनानी है। इट इज एन इंस्पिरेशनल शो सर। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, कहा जाता है आप एक बहुत ही हैप्पी पर्सनालिटी है, कहते हैं आपको लोग जिंदा दिल, तो सबसे पहले आपकी कौन सी क्वालिटीज है जो आपको हमेशा इतना खुश रखती है? उत्तर दूं तो एक ही उत्तर है कि मैं हर क्षण जीने वाला आदमी हूँ। I live in the present moment। मैं मानता हूँ जिंदगी आपकी वर्तमान में है, एक क्षण को अच्छी तरह जियो, ऑनेस्टली, प्योर हार्ट, अंदर से क्लियर, जो अंदर है वही बाहर आपके चेहरे पे दिखे, उस ढंग से जिंदगी को जियो। क्या बात है। और वही मेरा राज है जो मेरे चेहरे पे आपको मेरी मुस्कान से मालूम पड़ेगा। तो आपका ये कहना है कि अगर जिंदगी में हम खुशियाँ ढूंढ रहे हैं तो हमें एक नया सूत्र डेवलप करना है, लिव इन नाउ, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जिंदा, वर्तमान में जियो। जो बीत गया वो बीत गया, आने वाला है वो सबके लिए सेम आने वाला है। सही है। भविष्य सबके लिए वही है। सही है। ठीक है, तो भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में आप अपनी जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपका पोटेंशियल है या जो भी आपका डेवलपमेंट है, उसमें आप बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करो। ब्यूटीफुल। और जिंदगी को जिंदा दिल की तरह जियो।
इसीलिए कहा जाता है जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। यू आर वेरी फेमस डॉक्टर ऑफ आवर सिटी, अ वेरी नोन पेडियाट्रिशियन। मगर हम ये जानना चाहते हैं सफल डॉक्टर बनने की ये आपकी जर्नी कहाँ से, कब और कैसे शुरू हुई? मैं जब 8 या 9 साल का था तब मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। 8-9 साल में? 8-9 साल का था और राजस्थान में हमारा परिवार रहता था। और उस समय क्या होता था कि मेरे दादा दादी जो थे बुजुर्ग थे, बुढ़े थे, और घर में बीमारियां ज़्यादा होती थी, तो हमारे गांव में वैद्य थे और वो वैद्य को बार बार हमें बुलाना पड़ता था मेरे दादा दादी के इलाज के लिए। तो वो घोड़ा गाड़ी में आते थे, हम जाके उनको बुला के लाते थे कि आइए मेरे दादाजी की तबीयत ठीक है, बीमार है, बुखार आ रहा है। तो वो घोड़ा गाड़ी में बैठते थे और मैं उनके पीछे पीछे उनकी बैग लेके दौड़ता था। क्या बात। तो जब घर पे आते थे वो दादा दी का चेकअप करते थे, फिर बोलते थे कि आ जाओ मेरे वहाँ से आप दवाई लेके आ जाओ। तो वो कुछ आयुर्वेदिक चूर्ण जैसी दवाइयाँ देते थे, वो पान के पत्ते में मिला के या शहद में मिला के देना, पहले के जमाने में दादा दादी को खिलाते थे तो थोड़े दिन बाद में ठीक हो जाते थे। अच्छा। तब मुझे ये नहीं मालूम था कि इनको डॉक्टर बोलते हैं या वैद्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन दिमाग ने ये कहा कि ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो घर में आते हैं, घर के परेशानी और तकलीफ जो है जो शारीरिक है उसको दूर करते हैं। क्या बात। तो मुझे लगा कि मुझे ये बनना है। तो जो 8 साल की उम्र में जो मैंने सोचा था वो प्रकृति ने मुझे मदद की और मैं डॉक्टर बन गया। क्या बात। तो यहाँ वो वाली बात सर कनेक्ट हो रही है कि अगर किसी चीज की चाहत दिल से हो तो और चाहत के साथ एक शब्द जोड़ना चाहूंगा। हाँ हाँ बोलिए। यदि आपका उद्देश्य नेक हो तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। तो सर कह सकते हैं कि अगर आपके एम्स और इंटेंशंस क्लियर हो और आपको पता है आप क्या चाहते हो तो पूरी कायनात आपको वहां तक पहुंचा देती है। निर्मल चिल्ड्रन हॉस्पिटल सिर्फ 9 बेड से आपने शुरू किया था और आज 100 डॉक्टर्स के साथ आप खड़े हैं। कहते हैं कि 4 इंसान इकट्ठा हो जाए वहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं और आप इतना बड़ा कारवा लेके चल रहे हैं, इसके पीछे आपकी कौन सी क्वालिटीज रही है? पूजा जी, जैसे आपने कहा 9 बेड से स्टार्ट किया था और उस समय हमारे पास हम 3 लोग ही थे, मैं था, मेरी एक स्टाफ नर्स थी और मेरा एक रिसेप्शनिस्ट, हम 3 लोगों ने अस्पताल शुरू किया था। okay. आज 115 बेड का हॉस्पिटल है, 400 से ज़्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, 150 से ज़्यादा कंसल्टेंट अटैच हैं, 30 से ज़्यादा मेरे पीडियाट्रिशियन की टीम है। ओके okay. और लगभग 30 से 35 स्टूडेंट जो हमारे यहाँ फेलोशिप प्रोग्राम या करने आते हैं। तो एक बहुत बड़ी टीम बन गई, बहुत बड़ी। और आपने जैसे पूछा कि इसके पीछे कारण क्या है, इसका राज क्या है? yes. मैं एक बात मानता हूं कि आज जो चीज है कल इसमें परिवर्तन होगा। uh-huh. आज का जो है हमारा अचीवमेंट uh-huh. वो कल का अचीवमेंट सेम नहीं रहने वाला है, क्योंकि यह एक यूनिवर्स की डिजाइन है कि जहां ग्रोथ सबको चाहिए लेकिन ग्रोथ के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि उसमें सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि यू हैव टू बी कमिटेड फॉर द कोज। कमिटेड, आपका अंदर से ग्रोथ के लिए कमिटमेंट होना चाहिए, आपकी सिंसियरिटी होनी चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए और आपका हार्डवर्क होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना लक और हार्डवर्क, तो उसे लक 1% 99% हार्डवर्क, 1% लक 99% हार्डवर्क। तो एक ही चीज समझ में आई कि आप मेहनत करो, हार्डवर्क करो, सिंसियरली करो, कमिटमेंट से करो और जिस समय जिस चीज की जरूरत है वो डेवलप करो, वो स्किल डेवलप करो। आज MBBS डॉक्टर बन गया या MD डॉक्टर बन गया तो उसी नॉलेज से वो पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकता, उसको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो रही है उसके साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करना, सेमिनार करना, वर्कशॉप अटेंड करने, नया नॉलेज जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना, क्या चाहिए, बीमारियां नई नई आ रही है, दवाइयां नई नई आ रही है, उसके साथ आपका टाइम के साथ रहना। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज, यू हैव टू फोकस ऑन योर ग्रोथ, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड नीड बेस्ड डेवलपमेंट। नीड बेस्ड को क्या चाहिए, कम्युनिटी को क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। सूरत जब मैंने प्रैक्टिस की थी तब पॉपुलेशन उसकी 4 लाख थी, आज पॉपुलेशन 60 लाख है। उस समय की बीमारियां अलग थी, आज की बहुत सी बीमारियां अलग है। तो उस समय आपको कंटिन्यूसली एक आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि क्या हो रहा है,
दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो बात आपने कही कि चार व्यक्ति को घर में संभालना मुश्किल है, मुश्किल है, तो 450 को कैसे संभालना है? एक ही चीज देखनी है कि निर्मल चोरड़िया को क्या चाहिए, वो मेरा लास्ट पॉइंट है। मेरे 400 व्यक्ति को क्या चाहिए, वो मेरा सबसे टॉप पॉइंट है। क्या बात, व्हाट माय एम्प्लॉइज वांट फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, यदि मैं उन पे फोकस करूंगा तो मेरे मुझे क्या चाहिए वो अपने आप मिल जाएगा। ब्यूटीफुल। गड़बड़ कहाँ हो जाती है, जब मैं हमेशा मैं क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए उस पर सोचता हूँ, और मैं चाहता हूँ वो 400 लोग इसलिए काम करें कि मुझे क्या चाहिए, यदि वो मेरा फोकस है तो वो अपना 100% नहीं देंगे। लेकिन मेरा फोकस उन 400 के प्रति है, उनको क्या चाहिए, कि वो यहाँ आते हैं तो उनको सुख मिले, ये आते हैं तो उनको ग्रोथ मिले, वो आए तो उनको सेटिस्फेक्शन मिले, वो आए तो उनको रिस्पेक्ट मिले, उनका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, चाहे वो साफ सफाई करने वाला कर्मचारी है, चाहे वो स्टाफ नर्स है, चाहे वो डॉक्टर है, सबका आत्मसम्मान वही है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पीपल। और इसीलिए ऑल सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन द सक्सेस डिपेंड्स अपॉन एचआर मैनेजमेंट। एचआर, आप ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करते हो उसी पे ही आपकी सक्सेस का डिपेंड करता है। पैसा आप ला सकते हो, मनी यू कैन ब्रिंग, आज बैंक के लोन लेने को तैयार है आपको, yes. वो आप ले आओगे, आपकी खुद भी ये एनर्जी भी है, लेकिन हाउ बेस्ट यू कैन मैनेज योर पीपल दैट डिसाइड्स द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बात है, यहाँ पे सर आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया जो हम हमारी ट्रेनिंग्स में हमेशा कहते हैं, जब जब हमें मौका मिला है किसी भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन को मिलने का या स्टाफ ट्रेन करने का, वी ऑलवेज से दिस सेंटेंस जो आज आपने कंफर्म कर दिया, योर एम्प्लॉयज आर नॉट देयर ओनली फॉर योर मनी, दे आर देयर फॉर द ग्रोथ, रिस्पेक्ट एंड टू बी सीन विथ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम एक्सपांड करते हैं तो क्वालिटी सफर करती है। यूजुअली ये देखा गया है कि जितना जितना कोई भी कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट या कुछ भी, जब वो ग्रोथ करते हैं तो दे यूजुअली ग्रो फाइनेंशियली, मगर सर्विस थोड़ी सी सफर करती है। अब आप भी उसी दौर में एंटर होने वाले हैं। आई वॉन्ट टू नो एनी एथिक्स, कुछ रूल्स, कुछ सूत्र के क्वालिटी को भी मेंटेन रखा जाए और ग्रोथ को बढ़ाया जाए। जी आपने बिल्कुल सही बात कही कि अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर सर्विस, एंड रिजल्ट में क्या है, सर्विस विच सेटिस्फाइज द कस्टमर। यस, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे होटल हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो या कोई बिजनेस हो, जहां भी प्रोफेशन में आपको ये होगा कि अल्टीमेटली इज द सर्विस। एंड यू आर वेरी राइट इन आस्किंग दिस क्वेश्चन कि जब एक्सपांशन होगा यदि आप उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हो, कर पाएंगे तो सर्विस सफर करेगी। और हम देखते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइज के एक स्टेज के बाद में सर्विस सफर होने लग जाती है। ये इसलिए होने लग जाती है कि एक्सपांशन के साथ साथ आपकी जो चैलेंजेज आने वाली है, उस चैलेंजेस को आप कैसे मीट करोगे, उसका प्लानिंग भी साथ में पहले से होना चाहिए। ओके, तो यू हैव टू प्रिपेयर ए चेकलिस्ट। ओके, कि क्या करना होगा मुझे, ये सर्विस जो मैं एक्सपांड कर रहा हूँ तो उसमें क्या क्या चीजें सामने आ सकती है, तो उसका पहले आपका खुद का प्लानिंग होना चाहिए। फिर आपका फीडबैक होना चाहिए, कस्टमर से आपको फीडबैक मिलता है कि उनको क्या चाहिए, समय समय पे चीजें बदलती है, तो आपको एक रेगुलर फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। फिर आपके पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए जिससे आप मॉनिटर करो, और फिर उसका आपका एक्शन प्लान बनाओ आप। एंड देन देयर हैज टू बी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कि जो आपको असेस करे कि आप रियल में जो बता रहे हो क्या वो सही सर्विस दे रहे हो। और इसलिए देयर आर एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट। यस, 2004 में हमने सबसे पहले ISO ये एक्रेडिटेशन लिया था। ISO, तो उनके जो मैनुअल्स होते हैं उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, हम अपना मैनुअल की ये हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप हुई। और अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, जिसके अंडर में NABH है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। तो ये जो एक NABH है उसमें हर चीज के क्राइटेरिया है कि आपके पास नर्स होगी तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपके पास डॉक्टर तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, यदि आप कोई काम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कोई दवाई देनी है तो उसका क्या ध्यान रखना है। तो ये जो एक चेकलिस्ट होती है या एक जो गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन से आप काम करते हो तो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले आपको करना क्या है, उसके लिए मैन पावर क्या चाहिएगा, उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या चाहिएंगे। यदि आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो चाहे आपका वही चीज होती है। और सर्विस का एक चीज ऐसे है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सर्विस 300 बेड में ज्यादा चाहिए, 4 बेड में भी सर्विस चाहिए। और ये हो सकता है 4 बेड में आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो और 300 में आप अच्छी तरह सेटिस्फाई कर रहे हो, वो भी चीजें होती है। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज ए मेटिकुलस प्लानिंग।
शुड बी नीड बेस्ड प्लानिंग. नीड बेस्ड प्लानिंग. आपको क्या चाहिए और लोगों को उस समय क्या चाहिए. मुझे याद है आज से 30 साल पहले हम थर्ड क्लास के डब्बे में ट्रैवल करते थे. yes. और हम उसको एक्सेप्ट करते थे. एक्सेप्टेड था. और आज वो चीजें एक्सेप्ट नहीं है. नहीं है. आज हमें भी चाहिए कि भी कोच में साफ सफाई होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए. मैं तो आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा सूरत का. 1994 में प्लेग हुआ सूरत में. yes. तब तक हम सूरत को एक गंदा शहर मानते थे. yes. और हम सबने एक्सेप्ट कर लिया था. एक्सेप्टेड था कि हमारा शहर नहीं सुधर सकता. yes. लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया और ऑफिसर्स उन्होंने भी एक्सेप्ट किया हुआ था. yes. लेकिन जब प्लेग हुआ तब क्या हुआ, नाउ दिस इज दी हाई टाइम, नाउ वी कैन एक्सेप्ट इट एनी मोर. और हमने क्या किया, हमने सूरत का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, रिवॉल्यूशन आ गया, पूरा रिवॉल्यूशन क्रांति आ गई. कि एक स्टेज के बाद में आपको जब होगा दिस इज दी हाई टाइम. यस, इट्स अ हाई टाइम नाउ. हाई टाइम एक्शन लेनी पड़ेगी. एक्शन लेना पड़ेगा. तो सर्विस में भी ऐसा ही है, यदि आप कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा. और दूसरी बात, अकेला एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता. यू हैव टू क्रिएट अ टीम ऑफ पीपल. टीम बिल्डिंग. टीम बिल्डिंग होना चाहिए. कॉम्पिटेंट पीपल, स्किल्ड पीपल, जिसकी जरूरत हो वैसे स्किल्ड पीपल, एंड यू हैव टू पे देम वेल. मैं तो एक आज समझता हूँ कि हमें अच्छे लोगों को लाना होगा, स्किलफुल लोगों को लाना होगा, तो उनको उनका रेम्यूनरेशन भी उसी ढंग से देना. दैट इज सैलरी, फाइनेंस, जो फैसिलिटीज जो उनको चाहिए, सब कुछ. बहुत बढ़िया, सब कुछ. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं दो दिन पहले ही अभी यूरोप ट्रिप करके आया. अभी मैं आई वाज इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इन रशिया. लोग वहाँ पे 60% टैक्स दे रहे हैं सरकार को. यस, 60% टैक्स एंड दे आर सेटिस्फाइड. डेनमार्क में भी बताया मुझे कि वहाँ पे एक रेफरेंडम लिया गया कि इतना ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं तो आप क्या सेटिस्फाइड हो. 70% पीपल सेड कि वी आर सेटिस्फाइड, बिकॉज़ गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. 30% से 60% का टैक्स दे रहे हैं. एजुकेशन इज फ्री, हेल्थ इज फ्री, रेसिडेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट, आपको सब कुछ मिल रहा है. व्हाई पीपल विल नॉट पे टैक्सेस. सी, लेकिन हमें ये लगता है कि यदि हम टैक्स दे रहे हैं तो क्या हमें वो सुविधा मिल रही है कि नहीं. अगर इंसान को आपके सर्विस से सेटिस्फेक्शन है, yes. तो देन देयर आर नो प्रॉब्लम. जैसा आपने बताया कि चेकलिस्ट से, यूजुअली जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वी डोंट प्रिपेयर अ चेकलिस्ट, वी डोंट हैव अ क्राइसिस मैनेजमेंट, वी डोंट हैव अ मॉनिटर सिस्टम, एंड एट द एंड वी आर नॉट रेडी टू टेक एनी फीडबैक. तो आपने जो स्टेप्स बताए कि कस्टमर फीडबैक, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच करना, अगर इन सब का कॉम्बिनेशन हो जाए तो आप आराम से ग्रोथ कर सकते हो बिना आपकी सर्विस को कॉम्प्रोमाइज किए. बिल्कुल, एकदम सही आपने इसको समअप किया है. बिल्कुल सही बात है. परफेक्ट. फोकस शुड बी एट द रिजल्ट. एट द रिजल्ट कहाँ पे है कि कस्टमर है उसका सेटिस्फेक्शन. परफेक्ट, वेल सेड सर. सर आपने बहुत से मैसेजेस दिए अबाउट योर प्रोफेशन, अबाउट योर ग्रोथ गोल, बहुत सी बातें की. अब मैं ये बात करना चाहती हूँ, अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन, हाउ डू यू वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, क्या रोल रहेगा डॉक्टर निर्मल का सोसाइटी की ओर. सर अभी आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर है और आपके सामने अभी जो डॉक्टरी कर रहे हैं या अभी अभी डॉक्टर बने हैं, ऐसा एक ग्रुप है, तो बीइंग अ सीनियर डॉक्टर, what message do you want to convey to the whole group of new upcoming doctors? हमारे सब यंग कलीग्स को कहना चाहता हूँ, एक ही चीज है कि अपने आप पे विश्वास रखो, पहली बात. दूसरी बात, इस प्रोफेशन का जो उद्देश्य है उसको कभी भी अपने नजर से हटने मत दो. यस, सर्विस टू ह्यूमैनिटी. वो उद्देश्य है सर्विस टू ह्यूमैनिटी. यस. तो सर पहचान के शो पे आज का हमारा अंतिम सवाल, अगर आपके पास चांस है टू ब्रिंग अ चेंज इन सोसाइटी, आप क्या चेंज लाना चाहते हैं. क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा था कि हर व्यक्ति को वर्तमान में जीना है. आप जहां हो, जैसे हो, अच्छे हो, उस चीज को स्वीकार करो. चेंज होगा, सिचुएशन जो आज है वो कल नहीं रहने वाली है. आपको तो ये देखना है कि आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे. ग्रोथ तो होना ही है, अच्छा ही होगा. और मैं मानता हूँ 21st century तो हम इतना आगे बढ़ रहे हैं सब तरह से कि सब अच्छा होगा, लेकिन जब दुनिया छोड़ते हैं तो आपको क्या लगे कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन. व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन. जो युवा संपत्ति हमारी, जो युवा धन है हमारा, उसको कहना है कि आप जिंदगी को पॉजिटिव होके जियो. पॉजिटिवली बहुत कुछ है.
आज की जो यंग जनरेशन है वो ऐसी स्थिति में है कि जिसके पास सब कुछ अवेलेबल है. यस, एवरीथिंग. आप 50 साल पहले की लाइफ देखो और आज की लाइफ देखो. मैं कहता हूँ 20 साल पहले की लाइफ देखो, आज की लाइफ देखो. सी, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर. सी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जितना भी युवा धन, उनको अपॉर्चुनिस्ट रहना है और अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके उनको सोसाइटी को वापिस कॉन्ट्रीब्यूट करना है. बिल्कुल सही बात आपने कही कि उनको पॉजिटिव माइंड फ्रेम रख के सकारात्मक विचारों से अपनी जिंदगी को जीना है. और लाइफ का जो पर्पज है टू बी हैप्पी. एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी. यस, मैंने सुनी है कहावत सर, सबको सुख चाहिए. एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी एंड हैप्पी पर्सन कैन शेयर हैप्पीनेस. सर, आज आप हमारे शो पे आए, आपने ढेर सारी बातें की अबाउट योर प्रोफेशन, अबाउट ह्यूमन क्वालिटीज. बहुत मजा आया, बहुत कुछ नया था जो हमने आज जाना समझा. इट वॉज ऑनर टॉकिंग टू यू. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर. रियली मैं आपका शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने पूरा इतना लाइवली बना दिया माहौल को. और जो प्रश्न आपने पूछे वो मेरे अंदर तक छू गए और मेरे जो भी प्रश्न के जवाब हैं वो भी अंदर से दिल से आए हुए जवाब है. आपका मैं फिर से शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया सर. इस एपिसोड का टैगलाइन था स्टे इन प्रेजेंस. स्टे इन प्रेजेंस का मतलब यह हुआ कि हमें भूतकाल का भी नहीं सोचना है और भविष्य का भी नहीं सोचना है, सिर्फ वर्तमान में रहना है. वर्तमान में अगर हम रह के काम करते हैं तो 100% वॉक, 100% एंजॉयमेंट और 100% अचीवमेंट, ये तीनों चीज 100% हमें मिल सकती है. अगर आप फ्यूचरिस्टिक थॉट लेके चलोगे तो प्रेजेंट पे से आपका कॉन्सेंट्रेशन हट जाएगा. तो लेट्स लर्न टू बी इन प्रेजेंट एंड एंजॉय द लाइफ इन फुल फ्लेज. पहचान सीरीज का रिस्पॉन्स देखकर हमें मोटिवेशन मिल रहा है, हमें इंस्पिरेशन मिल रहा है कि इस सीरीज को हम और बेहतरीन बनाएं आने वाले समय में. दोस्तों, लाइक अस, कमेंट अस एंड शेयर विद अस योर व्यूज. पहचान से जुड़ी हुई कोई भी स्टोरीज अगर आपके पास है तो कॉन्टैक्ट अस ऑन poojapiyushtalk@gmail.com. थैंक्स अ लॉट. हैव अ नाइस टाइम. पहचान, द टॉक शो विद पूजा पीयूष. अगर आपको भी बनानी है अपनी एक पहचान तो कॉल अस एट 9377-93851 और write us at poojapiyushtalk@gmail.com.